वेलकम गाइस, मेरा नाम तस्खीर है और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ पाकिस्तानी टैलेंट यानी कि पाकिस्तानी स्ट्रीट टैलेंट का एक और एपिसोड। कोक स्टूडियो मस्ट लिसन हिज वॉइस, पाकिस्तानी टैलेंट। इस बंदे की आवाज़ और गाना सुनेंगे इसके अंदर हम कि क्या गा रहा है। और इसमें जो टाइटल लिखा है काफ़ी सही लिखा है जिसने भी लिखा है ये, कोक स्टूडियो मस्ट लिसन हिज वॉइस। क्या ये सच में कोक स्टूडियो वालों को सुनना चाहिए या नहीं, ये तो सुनकर पता चलेगा, देखकर पता चलेगा इस वीडियो को। चलिए एंजॉय करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आता जाए तो लाइक जरूर करते जाइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सफीर यूके जरा तवज्जो, इन्हां दी फरमाइश आई बड़ी वड्डी, नजर जट दी फरमाइश आ गई एंड यूके तू ए गोरियां ने मुल्क तू जरा तवज्जो। हां जी, हो तेनू प्यार हो गया मेनू सहियां कहंदियां। तेनू प्यार हो गया मेनू सावल कहंदा ए, कमो कमो कैसे दो ओ। जे मैं यूके विच रवां ते मैं औके रहनी आ के बाहर वेरी नेक्स्ट की बॉल दो दे ये ये ये। लोकी समझौन सच्चा प्यार नहीं लभदा, दुनिया दी फिर जो सामल नहीं लभदा। सोनी अखां वालिया तेनू मैं दी रहनी आ, गिव मी ऑल योर माय आई नीड अ होल तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदी आ। फुलां दा हार होंदा ए, फुलां दा हार होंदा ए। फुलां दा हार होंदा ओनू चैन नहीं आउंदा, ओ जिहदा यूके विच यार होवे यार होंदा है यार, ओनू चैन नहीं आउंदा। ओ लोकी समझौन सच्चा प्यार नहीं लभदा, दुनिया दी भीड़ विचों सामल नहीं लभदा। कैसी लग रही है बताओ कमेंट सेक्शन। मैनचेस्टर 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 नेल्सन की बात, नेल्सन कम ऑन कम ऑन नेल्सन नेल्सन की बात। एलेक्सा ओ जे मैं सावल कोल रवा ते मैं ओके रहनी। एंजॉय कर रहा बंदा यार बहुत। उम्मीद जरा तवज्जो तवज्जो, उम्मीद सावल नु जी करदा। No, very nice, no. Come on. Loki samjhaun sacha pyar nahi labda, duniya di bheed vichon samne nahi labda. O dil nahi manda jadon tenu vendiya. मजा कर दिया यार। बिशारत जैसी भी यूके, बिशारत जैसी भी यूके तामन करेंगे अलबम हो। नो नो कम ऑन कम ऑन नेल्सन 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 सावल किंग ऑफ यूके, सावल किंग ऑफ यूके 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 सावल किंग ऑफ मिक्स यूके। ओ जे मैं सावल कोल रवां ते मैं वारी जानिया, जे मैं तेरे कोल रवां जे मैं आपके रवां। सुनने के बाद मैं कह सकता हूँ कि को स्टूडियो मस्ट लिसन दिस हिज वॉइस एंड उसको चांस देना चाहिए इस बंदे को, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत सही है और इन्जॉय करता है अपने गाने को। सबसे बड़ी बात तो यही है, तभी तो एक मज़ा आ पाता है।
और जो जो आई थिंक वो दूध वाली कैन ही है ये जो लेकर जाते हैं सुबह को दूधिया लोग और घर घर दूध बांटते हैं। सो वैसी कैन से म्यूज़िक बजा रहा था और म्यूज़िक भी बखूबी बजा रहा था और मैच कर रहा था म्यूज़िक गाने के साथ, और इंग्लिश भी मतलब इंग्लिश में भी वर्ड्स बोल रहा था और गा भी रहा था थोड़ा बहुत। ये बहुत ही अमेजिंग था, आवाज़ मुझे बहुत सही लगी। सुर ताल का मुझे ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं दिया, सुर तो अच्छे ही लग रहे थे। जो हाई नोट्स ले रहा था बंदा वो जो है उसमें आवाज़ जो निकल कर आ रही थी इनकी कमाल की थी। एंड अंकल जी पर मुझे हंसी आ रही थी, वो भी एंजॉय कर रहे थे, हंसी तो आ रही थी उनको देखकर लेकिन वो एंजॉय कर रहे थे बंदे का गाना और पैसे भी देते जा रहे थे। तो कमाल का वीडियो था, कमाल का टैलेंट है ऐसा सड़कों पे जो सुनने को देखने को मिलता है पाकिस्तान में। ज़्यादातर आई थिंक आप ढूंढेंगे तो सिंगिंग का टैलेंट देखने को मिलेगा स्ट्रीट सिंगर्स का। स्ट्रीट और भी टैलेंट हो सकते हैं पाकिस्तान में जो खास शायद मुझे पता नहीं है, लेकिन स्ट्रीट सिंगर्स का टैलेंट मुझे देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है वहाँ पे, और उसमें से ही एक था। आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये एक बंदा आपको कैसा लगा, नाच रहा है, गा रहा है, बजा रहा है और अमेजिंगली मतलब इन्जॉय कर रहा है उस चीज़ को, सबसे बड़ी बात यही थी। कमेंट सेक्शन में आप बताओ आपको कैसा लगा ये वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमें लिंक्स भी भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पर या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।